आज हम लोग जो बिलियन है क्लास 12 का रसायन में, क्लास 12 में जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग एक द्रव द्रव बिलियन में, एक उसमें आदर्श बिलियन और जो अनादर्श बिलियन होगा, आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो किस प्रकार से बनाएंगे, और उसमें जैसे मौका मिलेगा तो वास्तुदाब का अवनमन, तो इन सबों की चर्चा करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब तुमको जब कोई द्रव है उसको किसी बंद बर्तन में रखते हैं तो वह क्या करता है, उसका एक वाष्पीकृत होता है जिससे, और उसके जो साम्यावस्था में जबकि आता है अपने भाप और द्रव और अपने भाप के साथ, तो वाष्पीकरण की दर और संघनन की दर समान हो जाती है। इस स्थिति में द्रव के वाष्प का जो कि दाब होता है बर्तन के सतह पर, उसे उस द्रव बिलियन का एक नियत ताप पर जो कि होगा वह वाष्प दाब कहलाता है। अब जब उसमें ए और बी दो द्रव, उसमें द्रव बी बिलियन तैयार कर लिया, द्रव द्रव बिलियन, तो उसके वाष्प दाब का निकालने के लिए हम लोगों ने एक नियम पढ़ा था जिसको हम लोग कहते हैं पी बराबर, जिसको रॉल्ट का नियम कहते हैं, जिसका सूत्र था पी बराबर पी ए नॉट एक्स ए, मतलब जहां पे दो अवयव ए और बी को जब मिक्स करते थे तो ये पी बराबर जो कुल दाब होता था बिलियन का, वाष्प दाब, द्रव द्रव बिलियन का वाष्प दाब, द्रव द्रव बिलियन का वाष्प दाब, पी बराबर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, और जहां पर कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है। एक्स ए किसका है, जो द्रव ए का मोल अंश है, और एक्स बी है द्रव बी का मोल अंश, और वो उसके जो शुद्ध ए और बी के वाष्प दाब हैं ये। अब है तुमको यहाँ पर हम लोग पढ़ाई करेंगे जिसका नाम है तुमको, जिसका नाम हो गया तुमको दिया हुआ है अभी हम लोग आदर्श विलयन। तो इसके बारे में पता है, इसको हम लोग कौन सा नियम कहते हैं, रॉल्ट का नियम, रॉल्ट्स लॉ कहते हैं इसको, कहते हैं ये तुमको द्रव द्रव विलयन के लिए रॉल्ट का नियम, रॉल्ट्स लॉ, ऐसा पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा। जो नहीं देखा है राइसोटल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारे सारे वीडियो जो भी चैप्टर वाइज तुमको मिल जाएंगे तो उसको देख सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी के सबके वीडियो मिल जाएंगे, बहुत की रसायन हिंदी में, अंग्रेजी हिंदी मीडियम में, अंग्रेजी मीडियम में सारे वीडियोज उपलब्ध हैं उसमें। तुमको राइसोटल ऐप पर तुमको प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो उसमें तुमको जो पढ़ाई के लिए तुमको जो है कि इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करना चाहते हो उसके लिए भी तैयारी कर सकते हो। जो तुम्हारा दूसरा है कि उसके जो नोट्स चाहिए बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में, वो भी मिल जाएंगे। और तुम जिसको पर्सनली भी दिक्कत होती है, जहाँ पर किसी कंसेप्ट को समझने में दिक्कत है या कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं, मैथ के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो उसके लिए भी तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। तो आज का लेक्चर तुमको जो है आदर्श विलयन है। आदर्श विलयन मतलब कि वह विलयन द्रव द्रव विलयन द्रव द्रव विलयन जो रॉल्ट के नियम का, जो रॉल्ट के नियम का पालन करती है आदर्श विलयन कहलाता है, आदर्श विलयन कहलाता है, कहलाता है। आदर्श विलयन आदर्श विलयन के निर्माण में, आदर्श विलयन के निर्माण में आयतन परिवर्तन डेल्टा भी, आयतन परिवर्तन डेल्टा भी एवं एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच का मान शून्य होता है, एंथैल्पी पर डेल्टा एच का मान शून्य होता है, डेल्टा एच का मान शून्य होता है, तो ये तुमको आदर्श विलयन कहलाएंगे। ए तथा बी आदर्श विलयन का निर्माण करते हैं, आदर्श विलयन का निर्माण करते हैं जब
ए डैश ए कॉमा बी डैश बी एवं ए डैश बी ए और बी के बीच अंतरानुविक बल समान होता है, एक जैसा होता है, जिससे कि क्या होगा, जबकि जितना ए ए जो के जो अणु के बीच में जो आकर्षण बल था, और अगर आकर्षण बल कमजोर होता है तो वो ज़्यादा बाष्पीकृत होता है, और आकर्षण बल जिस तरल जिस द्रव में मजबूत होता है वो कम बाष्पीकृत होगा। तो अगर ये तुमको सिमिलर हो, एक जैसे बिल्कुल पूर्णतः तो होना बहुत कठिन होता है, तो पूर्णतः जो है आदर्श विलयन भी पूर्णतः कोई भी होना बहुत कठिन, लेकिन बहुत से विलयन होते हैं जो आदर्श विलयन के काफ़ी करीब होते हैं। उसके लिए कंडीशन ये होगा, तो जब उन दोनों को मिलाएंगे तो उससे क्या होगा कि जब दोनों को मिलाएंगे, अगर एक का 50 एम एल लिए, एक का 25 एम एल बी का, तो आपका जो बिलियन का आयतन है 75 एम एल ही आएगा, उसमें कोई परिवर्तन 75 से 74.5 या 75.5 ऐसा नहीं आए, तो आयतन परिवर्तन नहीं हुआ, उसमें उष्मा का कोई परिवर्तन जब मिक्स जब कर रहे हो। तो अगर बंधन एक जैसे होंगे तो यह तुमको आयतन में भी परिवर्तन नहीं होगा, ना ही उसके एन्थैल्पी परिवर्तन होगा, और जो रॉल्ट का नियम है पी बराबर पी ए नोट एक्स ए प्लस पी वी नोट एक्स बी, उसको भी वह उसका भी पालन करेगा। तो ऐसे विलयन हम लोग आदर्श विलयन कहलाते हैं। अब ये तुम्हारा होगा पी बराबर पी ए नोट एक्स ए प्लस पी वी नोट एक्स बी, अब है तुमको इसको पालन करेगा। अब इसमें ए ए ए बी और बी ए अगर एक जैसे होंगे तो ये आदर्श विलयन बनाएंगे, जो कि काफ़ी मुश्किल है कि बिल्कुल सिमिलर हो, लेकिन कुछ विलयन होते हैं जो आदर्श विलयन के काफ़ी करीब होते हैं। उदाहरण के रूप में आदर्श विलयन के कुछ उदाहरण दे देते हैं, बेंजीन एवं टोलुइन तुमको बेंजीन में सी एच थ्री जोड़ देते हैं, तो बेंजीन का सी सिक्स एच सिक्स होता है, इसका बेंजीन में एक हाइड्रोजन को हटा के सी एच थ्री जोड़ दीजिए, बेंजीन एवं टोलुइन कॉमा आदर्श विलयन के उदाहरण हुए। उसका था तुमको क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन, क्लोरो जो तुम्हारा किताब में दिया हुआ एनसीईआरटी बुक में उसी को लिख रहे हैं, क्लोरोइथेन एवं ब्रोमोइथेन। तीसरा दिया हुआ है एक उदाहरण जो उसी को लिखते हैं, तथा हेक्सेन एवं हेप्टेन का विलयन, तो इत्यादि ये इसके क्या हो गए, उदाहरण हो गए आदर्श विलयन के कुछ। तो ये विलयन तुमको आदर्श विलयन के काफ़ी करीब होते हैं, क्योंकि इनके जो कि अंतरानुविक बल हैं सब, जैसे बेंजीन टोलुइन एक जैसे अंतरानुविक बल हैं, उसी तरह ब्रोमो इथेन और क्लोरोइथेन के लगभग सिमिलर होंगे, उसी तरह से हेप्टेन और हेक्सेन दोनों में तुमको अंतरानुविक बल क्या होंगे, जो कि तुमको ध्रुवीयता नहीं पाई जाती है हेक्सेन एंड हेप्टेन में, तो प्रकीर्णन बल ही होते हैं दोनों का, अनुभार भी में भी बहुत हद तक समानता है। तो कुछ हद तक ए बी और ए ए बी बी ये सब आकर्षण बल काफ़ी करीब होते हैं, और इसलिए इसका जो व्यवहार है आदर्श विलयन के काफ़ी करीब होता है। अब हम लोग आते हैं अनादर्श विलयन। तो ये बात तो हमने देखा कि आदर्श विलयन होना काफ़ी मुश्किल है, कोई भी विलयन पूर्णतः तो कभी भी बंधन दोनों का मैच नहीं करेगा, जब दो अणु हैं तो उसके जो कि अंतरानुविक बल हैं वो सब भी क्या होंगे, अलग होंगे। तो अनादर्श विलयन का नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अनादर्श विलयन क्या मतलब, यहीं पर से परिभाषा है, वह विलयन जो रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करती है अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन कहलाते हैं जो कि नहीं करेगा पालन, वो क्या कहेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे ये किसका पालन नहीं करते हैं, जो रॉल्ट के पी बराबर पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। अब ये नहीं पालन करने का दो केस आ सकता है, कि इसका जो पी का मान, जो विलयन का पी का मान आए वास्तव में, जो कि हम लोग प्रयोग के द्वारा निकालेंगे, प्रायोगिक मान जो पी का हो, वह अगर
सूत्र के द्वारा, रॉल्ट के सूत्र नियम के द्वारा प्राप्त वाष्प दाब से अगर अधिक हो जाए, एक ये केस हो सकता है। और एक हो सकता है कि जो कि प्रयोग के द्वारा जो वाष्प दाब निकाले वो सूत्र के द्वारा निकाले गए वाष्प दाब से कम हो जाए। तो दो तरह के विचलन होंगे। तो एक जबकि तुमको रॉल्ट के नियम से जबकि वाष्प दाब सूत्र से प्राप्त वाष्प दाब से प्रायोगिक वाष्प दाब ज्यादा हो जाए तो इसे कहेंगे हम लोग धनात्मक विचलन कहेंगे, और जब कम हो जाए तो उसे हम लोग ऋणात्मक विचलन कहेंगे, उसे हम लोग ऋणात्मक विचलन कहेंगे। तो ये तुम्हारा क्या हो गया कि जब तुमको क्या होगा कि इसका जो नहीं करेगा उसे हम लोग अनादर्श विलयन कहते हैं। और अनादर्श विलयन में क्या मैंने कहा कि अनादर्श विलयन क्या करेगा कि यह रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। तो दो तरह के विचलन होते हैं, वह द्रव द्रव विलयन जिसका प्रायोगिक वाष्प दाब रॉल्ट के सूत्र से प्राप्त वाष्प दाब से अधिक होता है, वाष्प दाब से अधिक होता है, वह धनात्मक विचलन प्रस्त वह धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है तथा जिस द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब प्रायोगिक वाष्प दाब रॉल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब से कम होता है, उसके वाष्प दाब से कम होता है, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा जो कि तुमको जिसका क्या हो गया वाष्प दाब प्रायोगिक दाब जो है रॉल्ट के नियम से अधिक हो गया। मतलब कि अगर पी जो निकाला प्रायोगिक वाष्प दाब पी जो कि हम लोग कैलकुलेट ऑब्जर्व वैल्यू होगा, प्रायोगिक वाष्प दाब ऑब्जर्व भी कहते हैं इसको, ऑब्जर्व मतलब जो निकालेंगे, पी ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी वी नॉट एक्स बी, ये धनात्मक विचलन कहलाएगा। और यदि पी लेस देन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी वी नॉट एक्स बी, ये ऋणात्मक विचलन होगा। तो ये तुम्हारा ऋणात्मक विचलन कहलाएगा। तो जब दो तरह के विलयन हो गए, एक धनात्मक विचलन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे और एक नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, तो एक पॉजिटिव डेविएशन जो शो करेगा वह जिसका कि वाष्प दाब प्रायोगिक वाष्प दाब क्या होगा जो सूत्र के द्वारा प्राप्त वाष्प दाब से अधिक होता है वह कहलाता है, वह क्या कहलाएगा कि वह धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, और जिसका वाष्प दाब कम होता है वह ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। अब है तुमको कब धनात्मक विचलन प्रस्तुत करो, कौन सा विलयन कब मतलब धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा और कब ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, उस विलयन में क्या विशेषता होगी उसको जरा ध्यान से देखते हैं। तो धनात्मक विचलन पर चर्चा करते हैं, धनात्मक विचलन। तो जिसका वाष्प दाब अधिक हो जाएगा ये तो हम लोग देख चुके हैं, धनात्मक विचलन में क्या होगा, जब
ए तथा बी दो द्रव एक बिलियन बनाते हैं, एक बिलियन बनाते हैं तथा ए बी आकर्षण बल, ए बी आकर्षण बल सोच के देखो कि ए बी आकर्षण बल अगर कमजोर होगा, ए बी आकर्षण बल ए ए तथा बी बी से दुर्बल हो, दुर्बल हो तो वह बिलियन, बिलियन रॉल्ट नियम से धनात्मक विचलन, विचलन देता है। तो ये धनात्मक विचलन देगा रॉल्ट नियम से। कारण है कि जब कमजोर है दो अणु को आपने पहले ए ए और बी बी आपस में थे तो उसका अपना एक वाष्प दाब था, लेकिन जब एक बिलियन में, एक द्रव बिलियन में दोनों आ गए तो ए बी अणु के बीच का जो अंतरणुक बल बना एक अणु के बीच, वह अगर कमजोर है तो जाहिर है कि उसके जो अणु पहले के तुलना में अधिक वाष्पीकृत होंगे और इस प्रकार से उसका वाष्प दाब बढ़ जाएगा। तो यह ध्यान रखने की बात है कि पहले अगर वाष्प दाब क्या था, कमजोर था उसका, पहले वाष्प दाब ज्यादा है और बाद में जो अणु ए बी का आकर्षण बल कमजोर है तो वह धनात्मक विचलन देगा। तो इसके जो कुछ उदाहरण हैं, कुछ उदाहरण इसके धनात्मक विचलन के जो दिए गए हैं उदाहरण, जैसे तुमको है इथेनॉल, इथेनॉल जिसमें अल्कोहल में तुमको ओ एच का ये हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, इथेनॉल एवं एसीटोन। तो एसीटोन में हाइड्रोजन बंधन नहीं, जब दोनों का ए इसमें, ये इसमें हाइड्रोजन बंधन ए ए मजबूत बंधन है और जबकि तुमको जब इसके साथ ये इंट्रैक्शन होगा तो इसके जो हाइड्रोजन बंधन है वो कमजोर पड़ जाएंगे। इस प्रकार से इसका तुमको आकर्षण बल कमजोर होने के कारण क्या हो जाएगा, ये तुमको एक धनात्मक विचलन प्रस्तुत करेगा। दूसरा उदाहरण दे सकते हो जल एवं अल्कोहल, जल एवं अल्कोहल, जल एवं अल्कोहल। तो अल्कोहल और जल का जो मिश्रण है, दोनों अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बंधन पाए जाते हैं और जल में भी पाए जाते हैं, लेकिन बाद में जबकि जल का जो हाइड्रोजन बंधन है बाद के केस में जब ए बी के बीच बनता है वो जल के हाइड्रोजन बंधन से कमजोर होने के कारण यह भी धनात्मक विचलन में, धनात्मक विचलन क्या करता है, देता है। दूसरा है तुमको एनिलीन और फिनॉल, तो एनिलीन और फिनॉल तुमको ऋणात्मक विचलन में आता है। अच्छा, और तुमको क्या होता है कि इसके अलावा और भी ऐसे बिलियन जिसमें कि अगर क्या हो जाए इत्यादि कर दो इसको, तो ये सब क्या होगा तुम्हें धनात्मक विचलन प्रस्तुत करेंगे। तो ये बिलियन तुमको जो उसमें कि बाद में आकर्षण बल क्या हो जाए, कमजोर हो जाए, तो उससे ज़्यादा वो बॉयल हो सकता है, तो ये धनात्मक विचलन देंगे ऐसे बिलियन। तो मैंने कहा कि जैसे कि बाद में, लेकिन बाद में अगर आकर्षण बल उसमें दोनों के बीच में कुछ इंट्रैक्शन बल ऐसा हो जाए कि उसमें मजबूती आ जाए तो वो ऋणात्मक विचलन देंगे। तो अब हम लोग लिखते हैं ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन निगेटिव डेविएशन। वैसे बिलियन, वैसे द्रव द्रव बिलियन, द्रव द्रव बिलियन जिसमें ए बी आकर्षण बल, ए बी आकर्षण बल ए ए तथा बी बी से, बी बी से कमजोर हो, कमजोर हो से मजबूत हो, मतलब तब तो से अधिक मजबूत हो, मजबूत हो, अधिक मजबूत हो, अधिक मजबूत हो, क्या कहलाता है ये, ये तुमको कहलाएगा अधिक मजबूत होगा तो ये कहलाएगा तुमको, अब क्या कहलाएगा ये, तो वह ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो वह ऋणात्मक विचलन रॉल्ट के नियम से क्या सो प्रस्तुत करेगा, ऋणात्मक विचलन प्रस्तुत करेगा। उदाहरण जैसे कि तुमको जब ए बी मजबूत दुर्बल हो जाए, जैसे उदाहरण तुमको है इसका ऋणात्मक विचलन, जैसे तुमको एक था
बाद में जो कि बनता है तुमको, जैसे कि बन जाएगा तुमको एसीटोन एवं क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म CHCl3 था, क्लोरोफॉर्म इसमें CHCl3 फॉर्म था एवं एसीटोन। एसीटोन में होता है तुमको CH3CO डबल बॉन्ड से जुटा होता है O CH3, तो O और H के बीच में हाइड्रोजन बंधन बन सकता है बाद में, तो ये AB का आकर्षण बल और मजबूत हो जाएगा। इसमें पहले हाइड्रोजन बंधन नहीं है, लेकिन H और O, इसका O के बीच CHCl3 जो क्लोरोफॉर्म का H और एसीटोन में CH3CO उसका O के बीच में हाइड्रोजन बंधन बन सकता है। तो ये क्या देगा, तो इसका मतलब बाद में आकर्षण बल मजबूत हो जाएगा, तो ये ऋणात्मक विचलन प्रस्तुत करेगा। दूसरा है नाइट्रिक अम्ल एवं जल, नाइट्रिक अम्ल एवं जल ये भी क्या करेगा, ऋणात्मक विचलन होगा। फिनॉल एवं एनिलीन, फिनॉल एवं एनिलीन, एनिलीन इत्यादि, तो ये सब क्या हो गए, ऋणात्मक विचलन के कुछ उदाहरण हो गए। और बाद में इसके जो आकर्षण बल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पहले के तुलना में ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, जिससे कि वो अधिक वाष्पीकृत नहीं हो पाते हैं। और तुमको इसके बाद है एक, तुमको एक स्पेशल टाइप का विलयन आता है जिसको हम लोग क्वाथ कहते हैं, क्वाथ एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉप। वैसे द्रव द्रव्यन, वैसे द्रव द्रव्यन जिनके द्रव में मोल अंश एवं गैस प्रावस्था में मोल अंश, एवं गैस प्रावस्था में मोल अंश, मोल अंश समान रहते हैं, मोल अंश समान रहते हैं, समान रहते हैं, क्वाथ का निर्माण करते हैं, क्वाथ का निर्माण करते हैं। तो क्वाथ का ये क्या करता है, क्वाथ का निर्माण करेगा। जब उसके क्या हो जाएंगे, जब तुमको क्या हो गया कि इसका जो है तुमको, जबकि द्रव अवस्था में जो उसके जो मूल अंश हैं ए और बी के, और वहीं पर वाष्प अवस्था प्रावस्था में जो मूल अंश है दोनों इक्वल हो जाए, ऐसा मिश्रण बनाइए कि वह क्या हो जाए, दोनों का जो है दोनों प्रावस्था में उसके जो कि एक्स ए और एक्स बी के वैल्यू, और एक्स ए डैश एक्स ए बी डैश लिखे थे जैसे, एक्स ए और एक्स बी डैश ये सब क्या हो जाए, एक्स ए एक्स ए डैश एक्स बी और एक्स बी डैश दोनों भी इक्वल हो जाए, तो उस स्थिति में जो विलयन बनेगा तो वो कहलाता है ये तुमको। तो इस विलयन को हम लोग क्या करते हैं, जो कि गर्म करके दोनों को सेपरेट करने का चाहेंगे, तो इसको इन क्वाथ को प्रभाजी आसवन से अलग नहीं किया जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है, मैं दोनों द्रव को अलग नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो इसमें दो तरह के, जैसे धनात्मक विचलन वाले जो हैं, धनात्मक विचलन वाले तुमको क्या करेंगे, जो धनात्मक विचलन वाले हैं वो, जो धनात्मक विचलन वाले हैं वो कम, मतलब कि वास्तुदाब का धनात्मक विचलन में तुमको जो एक दो तरह के हो जाते हैं, इसमें न्यूनतम क्वथनांक क्वाथ होता है, धनात्मक विचलन जो द्रव द्रव विलयन विलयन धनात्मक विचलन देता है वह न्यूनतम क्वथनांक क्वाथ का निर्माण करता है। उदाहरण इसका है तुमको, उदाहरण के रूप में इसका है 95% इथेनॉल C2H5 एवं 5% जल आयतंश
आयतन ये तुमको क्या करेगा, न्यूनतम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का निर्माण करेगा, ये इस कॉन्सेंट्रेशन में ही आयतन के विचार से। और वह बिलियन जो ऋणात्मक विचलन देता है महत्तम क्वथनांक मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप वाथ का निर्माण करता है। उदाहरण इसका है 68% HNO3 एवं 32% जल द्रव्यमान के अनुसार इसमें अनुपात से ये तुमको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का बनेगा। तो इसके बिलियन को अगर 25% जैसे कि 95% उसमें इथेनॉल हो गया और 5% अगर आयतन के विचार से वाटर है उसका ऐसा मिश्रण आपने बना लिया तो उसको आप गर्म करके आप चाहिएगा कि इथेनॉल और क्या करें दोनों का चूंकि द्रव प्रावस्था और वाष्प प्रावस्था में उसके मोल समान हो गए हैं तो उसको हम अलग करके गर्म करके दोनों को क्वथनांक चूंकि दोनों का अलग अलग होता है लेकिन क्वथनांक जल का 100 डिग्री सेल्सियस है इसका तुमको 62 डिग्री के आसपास होता काफ़ी अंतर है लेकिन फिर भी आप गर्म करके उस बिलियन को जो 95% इथेनॉल और 5% वाटर का बिलियन को या तुमको 68% क्या है तुमको HNO3 मतलब नाइट्रिकम और 32% जिसमें कि जल हो इस बिलियन को हम गर्म करके दोनों को सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो ऐसा बिलियन को हम लोग क्वाथ कहते हैं। देखोगे तुम क्या कहते हैं आयुर्वेदिक जो दवा होते हैं उसमें से बहुत से क्वाथ के रूप में मिलते हैं जिसमें कि बनाया हुआ रहता है उसका ऐसा करके तुम क्वाथ देखोगे क्वाथ करके बहुत से मिलते हैं जैसे पतंजलि वगैरह में तुम देखोगे बहुत से जहाँ भी आयुर्वेदिक दवा हैं उसमें क्वाथ मिलेंगे तुमको। अब है तुमको जैसे लिक्विड पाउडर के रूप में रहा तो अलग है नहीं तो उसको लिक्विड के रूप में रहेगा तो वो उसमें बनाया हुआ रहता है तो ये एजियोट्रॉप हो गया ये आदर्श और अनादर्श बिलियन के कुछ बारे में पढ़ाई हो गई और दो तरह के विचरण प्रस्तुत किए ऐसा हमने देखा। अब हम लोग देखते हैं वाष्प दाब का अवनमन जिसका चर्चा हम लोग कर रहे थे वाष्प दाब का अवनमन। जब हमने एक चीज़ देखा जब ठोस को किसी द्रव में हम लोग जब घुलाते हैं और वाष्पित ठोस को तो उस बिलियन का वाष्प दाब क्या हो जाता है घट जाता है और इस बिलियन का जो वाष्प दाब घटता है तो इसके कारण क्या होते हैं कुछ बहुत से द्रव बिलियन बहुत से गुण प्रदर्शित करते हैं और वह चूंकि बहुत से जो है तुमको विलेय के अणु की संख्या के कारण वह प्रस्तुत होता है तो ऐसे गुण को हम लोग कहते हैं अनुसंख्यक गुण। और इसका मुख्य जो अनुसंख्यक गुण 4 प्रकार के हैं और उन सबों में वाष्प दाब के कमी के कारण ही जब वाष्पित ठोस को हम लोग उसमें घुलाते हैं तो उसी के कारण से यह दिखाई पड़ता है। तो हम लोग इसको पहले लिखते हैं अनुसंख्यक गुण लिखते हैं और उसी में वाष्प दाब का अवनमन भी आ जाएगा पहला और इसी से आगे ही बढ़ेगा। तो अनुसंख्यक गुण कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो ये क्या है तुमको बिलियन का ऐसा गुण कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बिलियन का वह गुण जो विलेय के कणों की प्रकृति विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है ना कि विलेय के अणुओं की प्रकृति पर अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं
गुणधर्म कहलाते हैं, अनुसंख्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं, अनुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। ये तुमको इसका अनुसंख्या गुणधर्म ये कहलाएगा, जो कि किस पर निर्भर करता है, जो कि उसके किस निर्भर करेगा कि संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उसके प्रकृति पर। ऐसे गुण को हम लोग तो चार इसमें मुख्य अनुसंख्यक गुण हैं। अनुसंख्यक गुणधर्म, अनुसंख्यक गुणधर्म अवासील ठोस के द्रव विलायक में, द्रव विलायक में घोलने पर विलायक के विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम, विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होने के कारण उत्पन्न होता है, इसे वाष्प दाब का अवनमन भी कहते हैं, इसको वाष्प दाब का क्या कहते हैं हम लोग, अवनमन भी कहते हैं, यानी वाष्प दाब का कम होना ऐसा भी कहते हैं हम लोग, और वाष्प दाब का घट जाएगा। तो पहला इसमें जो है तुमको चार इसके हैं, इसके चार अनुसंख्यक गुण हैं, इसके कारण चार अनुसंख्यक गुण कौन कौन है इसका नाम लेते हैं पहले, उसके बाद एक एक करके इसको पढ़ेंगे हम लोग, चार अनुसंख्यक गुण धर्म। तो इसमें पहला नंबर है चार में, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा नंबर है तुमको क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा नंबर है द्रवणांक का निम्नीकरण कम होना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा है तुमको पराशरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चार है तुमको, तो इसमें तुमको क्या हो गया कि ये सारे जो क्या हो गए, ऐसे विलयन का गुण जो कि द्रव के जो कितने अणु हैं उसमें, ठोस जो हम लोग किसी द्रव में डाले हैं, तो ठोस के जो अणु का संख्या पर जो निर्भर करता है, ना कि उसके प्रकृति पर, तो वैसे गुणधर्म को हम लोग अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। जब किसी अवास्तविक ठोस को द्रव में डालते हैं तो जाहिर है कि वो वाष्पीकृत नहीं होगा, तो सतह पर जो कि द्रव के अणु की संख्या भी कम हो जाती है, जिस कारण से कि उसका जो वाष्प दाब है वह भी कम हो जाता है, अर्थात विलयन का वाष्प दाब जो होता है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। यह घटना वाष्प दाब का अवनमन कहलाती है। और ये जो सारे जो चार महीने अनुसंख्या गुण, ये सारे के मूल जड़ में रहता है वाष्प दाब का, वाष्पीय ठोस घुलाने से वाष्प दाब में कमी होना। जो एक है तुमको वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, चार अनुसंख्या गुण मुख्य हम लोग पढ़ेंगे, क्वथनांक का बढ़ जाना, द्रवणांक का कम हो जाना, द्रवणांक क्वथनांक होता है जहां पर कि कोई द्रव गैस में परिवर्तित होता है, द्रवणांक होता है जहां पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित ठोस में परिवर्तित होगा, और एक दो पराशरण दाब और पराशरण, ये प्रोसेस को समझेंगे हम लोग, तुम बायोलॉजी में कुछ लोग पढ़े भी होंगे तो इन सबों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं पहला कहां कितना कर सकते हैं, पहला स्टार्ट करते हैं और उसके बाद देखते हैं अगले लेक्चर में फिर आगे बढ़ेंगे इस पे। तो फर्स्ट तुमको है पहला जो तुम्हारा इसमें है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, फिर
उसका कुछ इस पर एक आध क्वेश्चंस भी बनाएंगे और आगे उसके बाद देखते हैं कितना हो पाता है। और तो इसको बारी बारी से हम लोग पढ़ाई करेंगे चारों अनुसंख्यक गुण को। तो पहला जो अनुसंख्यक गुण है उसी की चर्चा करेंगे, वो कौन सा है? वास्व दाब का आपेक्षिक अवनमन। चलिए, वास्व दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसका इंग्लिश जानना चाहोगे तो क्या हो गया? आपेक्षिक अवनमन, अवनमन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। जब किसी अवाष्पशील ठोस को, जब किसी अवाष्पशील ठोस को, अवाष्पशील ठोस को द्रव में घुलाया जाता है तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 1/2 के वाष्प दाब से कम हो जाता है। कम हो जाता है यदि P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब तथा P विलयन का वाष्प दाब हो, विलयन का वाष्प दाब हो तो P0 - P वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है, वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है, अवनमन कहलाता है, वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है, वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। तो वाष्प दाब का ये अवनमन कहलाएगा P0 - P। तो यह जो वाष्प दाब का अवनमन होता है यह तुमको किसके समानुपाती होता है? यह विलेय के, ठोस विलेय के मूल अंश के समानुपाती होता है। तो वाष्प दाब का अवनमन P0 - P जिसको होते हो, यह तुमको वाष्प दाब का अवनमन विलेय के, जितना विलेय डालेंगे उतना अधिक होगा अवनमन, विलेय के मूल अंश के समानुपाती होता है, विलेय के मूल अंश के समानुपाती होता है। तो P0 - P समानुपाती XA, जहां A बराबर विलेय और जहां B क्या होगा? विलायक होगा। जहां B इन, तो दिस इंप्लाइज दैट P0 - P बराबर P0 × XA, P0 - P/P0 बराबर क्या हो गया? NA मोल की संख्या, जो कि सब बटे NA + NB। इसे हम लोग कहते हैं P0 - P/P0, मैंने ये तो अवनमन हुआ और P0 से भाग दे दिए, P0 हो गया शुद्ध विलायक, इसे हम लोग कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं इसको। ये टर्म क्या कहलाएगा? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये तुमको वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाएगा। P0 - P/P0 बराबर NA / NA+NB, ये हो गया तुम्हारा। तनु विलयन में NA बहुत बहुत छोटा होता है NB से, तो हम लोग लिख सकते हैं P0 - P/P0 approximately equal to NA / NB,
और मोल निकालना के जहां पर ए हो गया विलेय का मोल, एन ए हो गया विलेय का मोल, अब मोल का मतलब क्या होगा द्रव्यमान बटे अणुभार, एन बी हो गया विलायक का मोल, विलायक का मोल, तो ये तुमको इसके समानुपाती हो गया। तो इसके आधार पर हम लोग चाहें तो क्वेश्चंस भी बना सकते हैं इसको। तो तुम्हारा जो है चार उदाहरण अभी तक हुआ है शायद तुम्हारा, तो पांचवा उदाहरण जो एनसीईआरटी का दिया हुआ है इस पर आधारित है, जिसमें कि क्या हो गया वास्तुदाब, इसको फिर से देख लेते हैं एक बार। जब शुद्ध विलायक का वास्तुदाब पी नोट है और बिलियन का वास्तुदाब पी हो जाता है, जब हम लोग वास्तविक ठोस उसमें डालते हैं, तो पी नोट माइनस पी वास्तुदाब का अवनमन है, यह किसके समानुपाती है, जितना अधिक विलेय का मोल अंश होगा तो अवनमन भी उतना अधिक होगा। तो पी नोट माइनस पी समानुपाती एन ए कह सकते हैं, ए अगर विलेय माने हैं और बी अगर विलायक माने हैं तो एन ए के समानुपाती होगा। और जब नियतांक को हटा करके पी नोट देते हैं जो कि विलायक का वास्तुदाब कहलाता है, तो पी नोट माइनस पी बराबर पी नोट इंटू एक्स ए, तो पी नोट माइनस पी बराबर बटे पी नोट को हम लोग वास्तुदाब का अपेक्षिक अवनमन कहेंगे, दैट्स इक्वल्स टू एन ए बाय एन ए प्लस एन बी, जो मोल अंश का परिभाषा देखा होगा। तो हम लोग अब इसके आधार पर देख सकते हैं कि एनसीईआरटी का जो उदाहरण है 2.5 है शायद, इसके बाद दिया हुआ वास्तुदाब का अपेक्षिक अवनमन के बाद, आदर्श अनादर्श विलयन में तो नहीं दिया होता, पाठ्यहित वगैरह भी तुम अपना प्रश्न बनाया होगा उम्मीद है, और तुमको जो कि एनसीईआरटी बुक में भी दिए हुए हैं, तुमको एनसीईआरटी बुक के जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं वो भी क्वेश्चन बनाओगे। जहां पे तुमको दिक्कत हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा, कोई भी कंसेप्ट समझने में किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री में किसी भी में दिक्कत हो रहा है, तो राय शुक्ल के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो, और जिसमें कि तुमको नोट्स भी मिल जाएंगे, तुम कोई भी चीज़ किसी कहीं भी तुमको डाउट हो रहा है तुम पूछ सकते हो, पर्सनल डाउट के लिए भी तुमको मिल जाएगा, पर्सनली भी तुम हमसे संपर्क कर सकते हो, अपना मेंटोर के रूप में चुन सकते हो। तो इसके लिए तुमको यहां पर अभी हम देख लेते हैं एनसीईआरटी का उदाहरण देख लेते हैं, एनसीईआरटी उदाहरण 2.5 है शायद, यही है 2.4 तक अभी तक हुआ है, 2.5 है। इसमें यह दिया हुआ है कि तुमको एक विलेय है जिसका कि तुमको जिसका कि कुछ द्रव्यमान जो है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 5 ग्राम डाला गया है तुमको किसी बिलियन में, जिसकी का कि जो बेंजीन है तुम्हारा, बेंजीन में क्या किया गया 0.5 ग्राम विलेय को, 0.5 ग्राम विलेय का द्रव्यमान m बराबर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 0.5 ग्राम, डाटा देख लोगे ये विलेय है तुमको, ये विलेय डाला गया, ये द्रव्यमान जिसको एम ए कह सकते हो, द्रव्यमान ए का है, और एम बी तुमको दिया हुआ 39 ग्राम, ये तुमको बेंजीन है, और इसका जो है तुमको एम ए हो गया तो अनुभार है बी का, अनुभार बेंजीन का जो है अनुभार, जैसे बेंजीन का तो अनुभार निकाल भी सकते हो, सी सिक्स एस सिक्स है तो 78 तुम्हारे किताब में भी दिया हुआ है 78 ग्राम, तो इसे एन बी निकल जाएगा मेरा, तो एन बी बराबर क्या हो गया ये तुमको 39 बटे, तो निकाल ही दो यहाँ एन बी। अब इसका दिया हुआ है तुमको कि जो शुद्ध बेंजीन है इसका वास्तुदाब दिया हुआ है, शुद्ध बेंजीन का, शुद्ध बेंजीन जो कि वास्तुदाब बराबर 0.850 mmHg एटीएम प्रेशर, और तुमको जो बिलियन जब बना, जब इसमें इसका 0.5 ग्राम इसको मिक्स कर दिए, तो इस बिलियन को जब वास्तुदाब हुआ 0.458, तो ये हो गया जब इसका घट गया, तो यह इस इंफॉर्मेशन से चाहता है कि ए का अनुभार, ए का अनुभार बराबर हुआ विलेय का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है कि विलेय का अनुभार चाहिए, या परमाणु जो भी मैंने एक मोल का भार चाहिए इस इंफॉर्मेशन से। तो चूंकि 0.850 से 0.845 हो गया, तो 0.5 ग्राम विलेय डालने से बेंजीन का, जिसका कि बेंजीन का पहले वास्तुदाब 0.850 था शुद्ध का, अब बिलियन जब इसमें वास्तविक ठोस 0.5 ग्राम डाले तो इसका इतना घट गया हो गया। तो इसके आधार पर आपको ये बताना है कि उसका मॉलिकुलर मास कितना है। तो हम लोगों ने अभी सूत्र देखा है कि तुमको पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट इज इक्वल टू एन ए बाय एन ए प्लस एन बी, तो आसानी से इसी सूत्र पर डायरेक्ट बैठा देते हैं, देखो तुरंत बन जाएगा ये, तो दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुमको 0.850 माइनस 0.845, इसका वास्तुदाब घट गया हो गया, और 0.850 इक्वल्स टू एन ए हो गया तुमको, इसका द्रव्यमान है 0.5 बटे अनुभार एम मान लिए इसका, अब बटे 0.5 बटे एम जोर 39 बटे
78 एक बटे दो। तो अगर डाटा अगर सही लिखा गया है बुक से तो बुक से आंसर भी तुम्हारा मैच कर जाएगा। तो यह हो जाएगा तुमको 0.05 बटे 0.05 बटे 0.85 0.85 तो एक बटे ये हो गया 0.05 है तो एक बटे ये 17 हो गया। एक बटे 17 बराबर 0.5 बटे एम बटे जोड़ एक बटे दो तो 0.1/17 तो 0.5 बटे 17 एम 0.5 बटे 17 एम जोड़ 1/34 बराबर 0.5/m हो गया। 0.5/17m ये 0.5/17m और इसमें 0.5/m को माइनस कर देंगे तो 0.5 क्या हो गया तुम्हारा, इसमें इसको घटा दो जाकर इस साइड से, हाँ इस साइड घटा दो 0.5 तो 1/34 इनफैक्ट बराबर 0.5 और कॉमन हो गया और ये हो गया 1/m माइनस 1/17m ऐसा हो गया। तो ये जाहिर है कि 16/17m हो गया ये तुम्हारा और ये 1/2 है, ये 1/2 है तो ये और इधर की तरफ कितना है 1/34 0.5 तो 1/17 हो गई। तो ये हो गया तुम्हें कट के 1/17 बराबर 16/17m ऐसा हो गया। तो 17 कट गया तो अनुभार इसका हो गया 16 ग्राम। तो जहाँ तक अगर डाटा तुम्हारा सही है तो यही अनुभार होना चाहिए। तो जिसको कि हम लोग निकालिए कुछ तुम्हारे किताब में एक और चीज़ करता है वो अक्सर देखते हैं कि जो एनसीईआरटी बुक को जो हल करता है तो 0.5/m है तो 0.5/m जो है प्लस जो 1/2 तो 0.5/m नीचे लागू नहीं दिया होता तो आंसर भी थोड़ा सा क्या हो गया आगे पीछे भैरी कर जाता है। तो आई होप कि इसका कैलकुलेशन सही होगा तुम्हारा और क्या क्या इसमें सूत्र में बैठा दिए बहुत ही ईजी वे में था, कुछ भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं था। पी नॉट का मान दिया हुआ है, पी का मान दिया हुआ है, आपको मैंने मोल दिया हुआ था बेंजीन का 39 ग्राम और 78 ग्राम उसका अनुभार तो उससे 1/2 उसका मोल निकल गया उसका मान रख दिए और 0.5 ग्राम दिया हुआ है किसका अनुभार जिसका मास द्रव्यमान दिया हुआ है बिले का तो उसका अनुभार निकल गया जो मैंने जो कैलकुलेशन किया अगर ये सही है, मुझे बुक का आंसर याद नहीं है, आई होप कि ये सही ही होगा। तो 1/17 इधर कट के आया तो इस तरह से क्या निकल गया तुमको 16 निकल गया और तुमको अगर नीचे को रिजेक्ट करते तो उसमें मान में थोड़ा सा अंतर आ सकता है। तो ये तुम्हारा तो 17 शायद आंसर आ जाएगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो ये तुम्हारा ये एनसीईआरटी का एग्जांपल हो गया और तुमको जो भी किसी को सम क्वेश्चन पूछना हो तुम न्यूमेरिकल एक्सरसाइज से ही बनाओगे जहाँ दिक्कत होगा कोई भी कंसेप्ट को भी समझने में दिक्कत होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है द्रव्यमान का क्वथनांक का उन्नयन हिमांक का अवनमन या हिमांक को द्रव्यमान भी कहते हैं और तुमको प्रासरण दाब इन सबों की चर्चा करेंगे और भी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो बच गए जो अनुसंख्यक गुण उसकी चर्चा करेंगे और जिस भी स्टूडेंट को क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो राइटल ऐप के माध्यम से हमसे पर्सनल सब भी मदद ले सकते हो। और इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।